दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रिकॉर्ड आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये अभी सुबह का टाइम, थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा ले स्टार्ट कर दूँ तो दोस्तों इसमें समस्या आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है और ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सके। बस एक ये देखिए दोस्तों, तो अब इसमें हमको चेक का कर बस है क्या था हंडिया का मतलब। तो दोस्तों, इसमें क्या चेक करना है, पहले आप इसको नीचे कर दीजिए, इससे जिससे कि हमारा कंप्रेसर आ जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका कंप्रेसर एक भी नहीं है, तो इसमें कंप्रेसर का मसला आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसको फटाफट खोलते हैं और जल्दी से इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या करना होगा। दोस्तों, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, इसी कारण से थोड़ा सा हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे। लाओ जिन चलाओ 12-13 के। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, ये 4 नट हम खोलते हैं और आपको दिखा सकते हैं। बोल्ट हमने खोल लिया, इसके बाद निकल रहे हेड का निकल रहे। दोस्तों, हम हेड को अलग करते हैं, इसमें देखते हैं फिर क्या समस्या आई है। निकल जाएगी हेड को, ऐसे नहीं कराई ऊपर से किनारे रख दिया। दोस्तों, ये हमारी गैसकेट है और ये हमारा बोर्ड। यहाँ तो हमारा सब ठीक है, अब वहाँ हेड में आप चलते हैं, हेड में क्या समस्या है। जैसे कि हाँ, यही यही मच्छर धुआं लगा के डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इससे सिर्फ ये इनलेट से वाल से, जो हमारी इनलेट वाल होती है, इसमें लीकेज है। तो इसी तरह आप ये जो धुआरी है, इसको अलग करके इसमें भी डाल के चेक कर सकते हैं आप। तो हम ये भी इसका ये वाली वाल ग्रीन करते हैं, आपको दिखाते हैं इसको ग्रीन कैसे करना है। दोस्तों, वाल ग्रीन करने का सिस्टम ये होता है कि इसमें ग्रीन पाउडर आता है। दोस्तों, मैं जब भी कभी जाता हूँ इंजन बनाने के लिए, तो मैं अपने थोड़ा सा अलग से ले लेता हूँ। ये ग्रीन पाउडर आता है, एमरी कहते हैं इसको। तो ये जो एमरी होती है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह की होती है, ये इस तरह की। तो इसको क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों, दिखाते ना भैया, दोस्तों ये वाल हमारी चेंज ना होने पाए, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, पहले इसको ग्रीन करेंगे। तो दोस्तों, इस थोड़ा सा ग्रीन पाउडर लेके इसमें चारों तरफ लगा देना है, चारों तरफ लगा दें, जिससे कि हमारी सीट जो है वो फिट बैठ जाए। मतलब सीट ये काम क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है, ये हमारी जो सीट होती है लोहा, ये सीट, इसको काटने का काम करता है, मैंने वाल को सेटिंग बनाने का। दोस्तों, ये पेचकस लेके आप, हमारे पास छोटा पेचकस है नहीं, तो हम इसको बड़े में ही चला लेंगे, काम क्या है किया। दोस्तों, इसको घुमाना होता है, मतलब कि जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है, क्या करेंगे कि आप अगर घुमाएंगे नहीं तो एक तरफ की सीट सही हो जाएगी और एक तरफ की सीट बड़े हो जाएगी। तो इसको घुमा घुमा के ग्रीन करना होता है। दोस्तों, आपके पास अगर थोड़ा सा डीजल हो या मिट्टी का तेल या कुछ भी हो, मतलब डीजल या मिट्टी का तेल दो में से एक, तो आप इसमें थोड़ा सा डाल लें, तो इससे आसानी रहेगी ग्रीन करने में। मेरे पास इस समय है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हमने दूसरी वाली भी वाल ग्रीन कर ली है, अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, सीट हमारी जो होती है चमक गई है, मतलब जब हम ग्रीन किया है, ग्रीन करने के बाद ये चमक गई है। देखिए दोस्तों, सीट बराबर है। दोस्तों, मैं इसका फुल वाल कैसे चेंज करना है, इसका वीडियो बाद में दूंगा दोस्तों। तो इसके बाद हम इसकी दोनों लाग जो होती हैं लगा देता हूं और आपको दिखाता हूं इसमें हेड इंजन में लगा के साफ़ कर लें। इसमें थोड़ा सा मोवेल डाल दें, जिससे कि क्या होगा, शुरुआत में इंजन स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको लग देना, लग दिया दूंगा। दोस्तों, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसके 4 नट लगाते हैं। दोस्तों, हमारा ये हो गया है। इसके बाद जब भी दोस्तों, अगर आपका हेड खोलना पड़े, तो तब जब आप जब हेड आप खोलें, तो दोस्तों इसकी टैपिट सेट करना होता है।
तो टाइपेट सेट करने का मेरे चैनल में वीडियो है, मेरे वीडियो मेरे चैनल में जाके टाइपेट सेट करने का तरीका आप जान सकते हैं अगर आपको दोस्तों पता नहीं। इसके बाद इसका हम नली लगाते हैं, इसको कस दिया है दोस्तों। इसमें क्या है कि हमने पहले से बोर्ड में मोबाइल डाल दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें आप जब पहली बार स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मोबाइल डाल दें जिससे कि हमारी स्टार्टिंग बढ़ जाती है। तो चला भैया स्टार्ट करा। दोस्तों ये है फील्ड मार्शल की ओरिजिनल रिंगें, फील्ड मार्शल की मैं ओरिजिनल रिंगें ले आया हूँ, और ये रही पुरानी रिंगें। और रिंगों को सेट कैसे करना है और रिंगों की वजह से क्या क्या कमियाँ आ सकती हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पुरानी वाली रिंग दिखा दूँ कि पुरानी वाली रिंग का क्या हाल है। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा पुरानी वाली का गैप, अब देख लिया अपने अच्छे से। और मैं आपको, ये पुरानी है और ये है न्यू। ये देखिए ये रही नई वाली। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर आ चुका था, कितना ज़्यादा गैप था। तो चलिए मैं आपको सेट कैसे करना है, आपको पिस्टन में कैसे बैठाना है और पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। चालू हुआ करें और फिर पीछे बैठ कितने मत दिखा आओ पीछे तो बैठा पूरा महुआ हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इसकी रिंगे जो है वो फंसा लेता हूँ। और ये पहले तो ये आएगी मोबाइल रिंग है, ये मोबाइल रिंग को पहले फंसा लेता हूँ मैं, फिर टाइट होती हैं हाथ में लगे ना जिससे। तो दोस्तों ये चली गई पहली, और ये रहेगी, इसको मैं नीचे से ही डाल देता हूँ। रिंगे जो है टाइट ना बैठे, फ्री रहें ऐसे, इस चीज का। और दोस्तों रिंगे पकड़ना कैसे, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे पकड़ोगे ना तो ऐसे, तो यहाँ पे ग्रिप मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी और आप आराम से बैठा सकते हैं। तो उस समय टाइट होती हैं ये रिंगे बहुत ज्यादा, तो हाथ में ना लगे। अब ये जाएगी, अभी वही वाली जाएंगी। और दोस्तों ये जो स्टील की होती है एक ये डीजल रिंग होती है, सबसे टॉप पे रहेगी ये, मतलब इसमें स्टील से आपको सबसे अलग रहेगी स्टील है ये। तो इसको आप ऊपर
तरफ सेट करना है इसको। ये लीजिए, अब इसकी रिंगे जो है मैंने अच्छे से बैठा ली हैं, और इनको रिंगों का जो आप देख लें, रिंगे घूमनी चाहिए क्योंकि फिर टाइट होगी ना तो फंस जाएगा उसमें। तो अब आपको कट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर का आपको इस तरफ कर देना है, दूसरे नंबर का इस तरफ, तीसरे नंबर का इस तरफ, चौथे नंबर का इस तरफ, ऐसे करके आपको, ऐसे आपको किसी की मदद लेके आपको आराम से सेट कर लेनी है। तो मैं थोड़ा सा मोबियल डाल के और कट आपको समझ ही गए, एक दो पहले नंबर, दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर, एक तरफ ना हो। तो चलिए मैं इसको सेट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर।